वेल दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी मुझे जैसे भी देख रहा है, मेरे सारे दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। चलो दोस्तों, करें शुरुआत। करें तो हमने उसके प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सिक्वेंसिंग कैसे करना है। मेनली हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज हम फॉर्मली शुरू कर सकते हैं। आज हम सिक्वेंसिंग फॉर्मली शुरू करेंगे। बाकायदा हम सेकंड एक्सरसाइज का पहला प्रॉब्लम, पहला पहला प्रॉब्लम है, पहली पहली बार है। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट आप लोगों को पता है। हम लोगों ने जो सिक्वेंसिंग देखा था, इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, तीन मशीन, दो से लेके तो तीन मशीन रहते हैं जनरली। हमने जो कंसेप्ट देखा था वो दो मशीन का ही देखा था, दो मशीन नहीं, हाँ जी हाँ, दो मशीन का ही देखा था। जॉब ज्यादा भी रह सकते हैं, दोनों मशीन एक साथ में आती है। अब जो भी जॉब परफॉर्म करना है उसका एक ऑर्डर बना लो, एक सीक्वेंस बना लो। वो सीक्वेंस में फिर मशीन ए और मशीन बी दोनों का इन और आउट टाइम निकालो, और इसमें देखो टोटल इलैप्स टाइम कितना लग रहा है, दोनों मशीन को लगभग कितना समय लग रहा है। मशीन ए का आइडल टाइम निकालो, मशीन बी का आइडल टाइम निकालो। ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पूरी तरह से अच्छे से देख चुके हैं। अब सेम चीज को दोहराते हुए हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं मित्रों। चलो, खास आपके लिए क्वेश्चन नंबर वन मैंने यहां ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर वन, पेज नंबर 125। इसके पहले मैंने हर बार क्वेश्चंस पूरे लिखे थे, अब मैं क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूं। आप टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं लेकिन सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो मैं ये लिख लेता हूं। हमारे पास में जो जॉब दिए हुए है वो कुछ इस तरह से है। जॉब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे जॉब है। टाइम फॉर टर्निंग, टाइम फॉर टर्निंग, TRNING, टाइम फॉर टर्निंग, इसको हम लोग बोलते हैं। मशीन ए के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। और अब दूसरा है इसमें टाइम फॉर थ्रेडिंग, टाइम फॉर थ्रेडिंग, THREADING, थ्रेडिंग, ये इसको बी पे परफॉर्म कर रहे हैं। वैल्यूज जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से 3, 12, ये टाइम मिनट्स में है सारा का सारा, 3, 12, 5, 2, 9, 11, 8, 10, 9, 6, 3 और 1, ठीक है। अब ये टर्निंग और थ्रेडिंग हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है, ये समय लग रहा है। अब हमारा एम है कि हमें आइडल टाइम कम से कम लगना चाहिए, इस हिसाब से सीक्वेंस को अरेंज करना है, और इसकी मेथड हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकालते रहते है ना, सबसे पहले इसमें सो फाइंड टोटल प्रोसेसिंग टाइम, आइडल टाइम, बराबर आइडल टाइम भी निकालने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग निकालते रहते मिनिमम, है ना। हियर स्टेप वन मैं लिख लेता हूं यहां पे। मैं इसके लिए स्टेप के लिए ब्लैक कलर का पेन यूज करूंगा। स्टेप वन, स्टेप वन में हम लोग लिखेंगे मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ऐसा ही किया था, मिनिमम ऑफ ए आई और बी आई, ये आ गया हमारा 1, ठीक है। इस ये जो है इट करस्पॉन्ड्स टू
इट करस्पॉन्ड्स टू मशीन बी। ये मशीन नहीं है एक्चुअली, ये एक्टिविटी है थ्रेडिंग की। करस्पॉन्ड्स टू थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग एंड जॉब सिक्स, ठीक है। अब ये थ्रेडिंग यानी हमारे लिए सेकेंड एक्टिविटी है और बी एक्टिविटी है, और टर्निंग यानी हमारे लिए ए एक्टिविटी है। ए एक्टिविटी या मशीन ए रहे तो उसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखते रहते हैं, मशीन बी या बी एक्टिविटी रहे इसको हम लोग आखिरी में लिखते रहते हैं। तो छह छह चीजें हम लोगों को लिखने का है, तो अब यहां कैसे लिखेंगे हम लोग? ये मिडल एक, ये तीन, ऐसे कुल मिला के छह चीजें हो गई है, ठीक है। अब सारी बातें इसमें लिख देते हैं मित्रों। तो ये वन जो है ये थ्रेडिंग एक्टिविटी से बिलोंग करता है यानी सेकंड एक्टिविटी, तो इसको लिखेंगे जॉब सिक्स को सबसे आखिरी में, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमारा रिड्यूस हो गया है। नाउ प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू फाइव जॉब्स, है ना, वन टू थ्री और फाइव, बिकॉज छठवां जॉब है वो ऑलरेडी हम लोगों ने लिख लिया है मित्रों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे वापस से हमें लेना पड़ेगा मिनिमम ऑफ, ठीक है। अब मैं ये छठवे को कंसीडर नहीं करने वाला हूं, मैं पूरा का पूरा लिखता नहीं हूं, डायरेक्टली यही स्टेप लिखूंगा, ठीक है। यहां स्टेप टू मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी बी जेनी, बी आई ए आई कॉमा बी आई। अब ये छठवा जॉब छोड़ दो, आप दिमाग में कंसीडर ही मत करो कि ये छठवा जॉब है। एक से लेके पांच तक जो जॉब्स दिए हुए हैं इसमें से सबसे मिनिमम क्या है? दो है, ठीक है। और इट करस्पॉन्ड्स टू ये काय से करस्पॉन्ड करता है आप ही बताइए मुझे मित्रों। ये करस्पॉन्ड करता है जॉब फोर से, ये करस्पॉन्डिंग टू टर्निंग एंड जॉब फोर। टर्निंग से है इसके लिए इसको सबसे स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, अगर ये थ्रेडिंग रहता था तो सबसे आखिरी में, ए यानी स्टार्टिंग बी यानी आखिरी में, ठीक है। तो अब ये वापस से मैं बना देता हूं, ये वापस से मैं बना देता हूं। इसमें छठवा जॉब ऑलरेडी फिक्स हो चुका है और ये जॉब फोर जो के बिलोंग करता है टर्निंग से, तो इसको हमें सबसे स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया। अब हमारे पास में जॉब फोर भी खत्म हो गया, वन टू थ्री और फाइव ही बचे हैं, ठीक है। तो आ जाता हूं मैं नेक्स्ट, यहां इतना लिख देता हूं। नाउ प्रॉब्लम इज रिड्यूस टू फोर जॉब्स, है ना,
1, 2, 3, 4 आ गया है और 5। अब ये जो चार जॉब है 1, 2, 3, 5 इससे हम लोग बाकायदा अच्छे से लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास में जो जॉब अभी है वो है 1, मैं थोड़ा सा दूर लिखता हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3 और 5 है ना, चार ही है। एक है टर्निंग जिसे हमने ए बोला हुआ है, एक है थ्रेडिंग, जिसे हमने बी बोला हुआ है। ये मैंने लिखा सिर्फ टर्निंग है, लेकिन टर्निंग का मतलब ही क्या है, टाइम फॉर टर्निंग। थ्रेडिंग ही लिखा है लेकिन इसका मतलब है टाइम फॉर थ्रेडिंग, ठीक है। अब ये मैं लिख देता हूं, ये है 3, 12, 5, 9, 3, 12, 5, 9, प्रीवियस 8, 10, 9, 3, 8, 10, 9, 3, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है। अब वापस से ये हमें वापस स्टेप 3 लगेगी, मिनिमम ऑफ ए आई बी आई, स्टेप 3। स्टेप थ्री मिनिमम ऑफ ए आई और बी आई में इस वक्त सबसे मिनिमम क्या है, तो 3 सबसे मिनिमम है, ठीक है। और ये जो 3 बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है 3 जॉब 1 से भी और जॉब 5 से भी, ठीक है। 3 जो बिलोंग कर रहा है ये जॉब 1 और जॉब 5 से, ठीक है। तो इट करस्पॉन्ड्स टू टर्निंग एंड जॉब 1, ऑल्सो करस्पॉन्ड्स टू थ्रेडिंग थ्रेडिंग एंड जॉब 5, ठीक है। तो अब आप ही बताए मित्रों, ये कैसे आएगा, 6 जॉब हमें इसके अंदर बनाने का है। ये बीच में से लाइन ले लिया 1, 2, 3, बीच में से लाइन ऑलरेडी है 1, 2, 3, ऑलरेडी हमने 4 और 6 लिखा हुआ है। बाबू 4 आ जा, बाबू 6 आ जा। अब हमें इसके अंदर ये जॉब, ये जो है 3, ये करस्पॉन्ड कर रहा है जॉब 1 जो कि टर्निंग से रिलेटेड है तो पहले आएगा, और ये करस्पॉन्ड कर रहा है जॉब 5, ये थ्रेडिंग से रिलेटेड है तो ये सबसे आखिरी में आएगा मित्रों, ठीक है। स्टेप 3 हमारी हो चुकी है, अब बारी है स्टेप 4 की। अब हमारे पास में देखिएगा सिर्फ 2 ही चीजें बाकी है, 2 और 3। ये 1 और 5 हो चुका है, 2 और 3 बाकी है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त दिमाग में रखिएगा कि हम लोग सिर्फ 2 और 3 को ही देख रहे हैं, उसी से सॉल्व कर रहे हैं। मिनिमम ऑफ ए आई बी जे, मिनिमम ऑफ ए आई और बी जे, इसमें 2 और 3 में से सबसे मिनिमम क्या है, तो ये है 5 सबसे मिनिमम है, जो कि बिलोंग करता है जॉब 3 से। इट करस्पॉन्ड्स टू एक्टिविटी टर्निंग एंड जॉब 3, ठीक है। वो जो भी प्लेस बची हुई है
ये हम लोगों ने लिख लिया है, ये बीच में की लाइन एक दो तीन, एक दो तीन। अब है ना, आप ही मुझे बताएं, मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, बट मैं क्लास को तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे इसमें पांच जो करस्पॉन्ड करता है ये जॉब थ्री से, तो ये बचे हुए तो मैं जैसे के वैसे लिख देता हूँ, फोर वन फाइव सिक्स, और ये फाइव जो है ये जॉब थ्री से है, और जॉब थ्री टर्निंग से है, टर्निंग यानी सबसे पहले आएगा। अब बचे हुए जगह में एक ही जॉब है टू, तो उसको लिखना पड़ेगा, है ना। अब क्योंकि एक ही जॉब बचा हुआ है तो देयरफॉर इसके बाद में हम लोग ऑप्टिमल सीक्वेंस लिख लेते हैं, है ना। देयरफॉर मैं फाइनली यहां पे लिख लेता हूं, देयरफॉर ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब इज, ऑप्टिमल सीक्वेंस जो है वो है कुछ इस तरह, तेरी पल के, ये हो गया ऑप्टिमल सीक्वेंस, एक दो तीन, एक दो तीन। अब लिख लेते हैं यहां ऑप्टिमल सीक्वेंस आ रहा है फोर वन थ्री टू फाइव सिक्स, यही हो गया हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस। ऑप्टिमल सीक्वेंस लिखने के बाद में हमें निकालना पड़ेगा मिनिमम इलैप्स टाइम, ठीक है। अगले स्लाइड में आते हैं मित्रों, मिनिमम इलैप्स टाइम निकालने के लिए, खास आपके लिए, देखो मैं कितनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, है ना। तो मिनिमम मिनिमम इलैप्स्ड टाइम, मिनिमम इलैप्स्ड टाइम कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। मिनिमम इलैप्स टाइम कंप्यूट करेंगे जैसा नीचे दिया हुआ है वैसे। तो मैं यहां पे सबसे पहले लिख लेता हूं जॉब का सीक्वेंस, जॉब सीक्वेंस, ठीक है, जॉब सीक्वेंस टर्निंग। दूसरी एक्टिविटी कौन सी थी, थ्रेडिंग, ठीक है। अब इन आउट तो निकालते ही है, और आखिरी में लिखते हैं हम लोग आइडल टाइम दूसरी एक्टिविटी का, फॉर थ्रेडिंग, आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग, ठीक है। अब इसे कंप्लीटली लिख लेते हैं मित्रों, ये हो गया एक, ये हो गया दो, इन आउट लिखना बाकी है अभी, चलो लिख लेंगे, कोई खास बात नहीं है। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग इन आउट, इन आउट, अब इसमें मैं सारे के सारे जॉब का सीक्वेंस लिख लेता हूं। जॉब का सीक्वेंस क्या था हमारा, फोर वन थ्री टू फाइव सिक्स, फोर वन थ्री
2, 5, 6। अब हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पूरा क्वेश्चन बहुत फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। पूरा फॉर्मेट रेडी है। ये हम लोगों ने लिख लिया है मित्रों। अब एक और चीज बाकी है इसमें, इन और आउट वाली बात, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमारा पूरा फॉर्मेटिंग रेडी है। जितने देर में मैं ये फॉर्मेटिंग निकाला, आप उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। अब आ जाते हैं जीरोथ आवर पे जॉब 4। ओरिजिनल क्वेश्चन आंखों के सामने रखिएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन काम में आएगा, उसमें से समय लेना पड़ेगा। जीरोथ आवर पे दोनों के दोनों मशीन्स हमारे पास में आए, हमारे सामने आए, और अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चौथे जॉब के लिए टर्निंग का समय कितना लगा है? 2 घंटे। ठीक है, ये थ्रेडिंग की मशीन 2 घंटे खाली बैठी रही बेचारी, रहा देखते रही जॉब 4 आएगा आएगा, मैं उसको प्रोसेस करूंगी, लेकिन ये थ्रेडिंग की एक्टिविटी तो शुरू ही कब होगी? दूसरे घंटे पे, पहले घंटे पे नहीं, ये मिनट से या और से, मिनट से, दूसरे मिनट पे, 2 मिनट तक ये रहा देखते रही। ठीक है, अब इसके बाद में 6 घंटे लगे थ्रेडिंग में, 2 और 6 यानी कि आउट कब हुआ? 8 पे। और आइडल टाइम, ये थ्रेडिंग का आइडल टाइम 2 घंटे, बिचारी रहा देखते रहे ना जॉब आएगा आएगा, तो ये 2 घंटे का है थ्रेडिंग का समय। ठीक है, अब बात करते हैं टर्निंग, टर्निंग की बात करते हैं, तो टर्निंग आप ही मुझे बताएं, टर्निंग ये पहला जॉब, ये मशीन कब खाली हुई? दूसरे घंटे पे। तो अब ये पहला जॉब कब शुरुआत करेगी? दूसरे घंटे पे। पहले जॉब में टर्निंग में कितना समय लगा? 3 घंटा, 2 और 3, 5। ठीक है, अब ये मशीन कब खाली हो रही है? ये जॉब भले ही 5वें घंटे पे खाली हो गया, लेकिन ये मशीन थ्रेडिंग की 8वें घंटे पे शुरू हो रही है, तो ये 8वें घंटे पे इस जॉब को प्रोसेस कर सकेंगी। ठीक है, और इस जॉब 1 को 8 घंटे लग रहे हैं, यानी 16 घंटे तक ये मशीन अब बिजी है। अब ये मशीन 8वें घंटे पे खाली हुई थी और 8वें घंटे पे ही नया जॉब शुरू किया, यानी इसका आइडल टाइम कितना है? 0। ठीक है, अब ये टर्निंग की मशीन 5वें घंटे पे खाली हुई थी, अगला जॉब ले लिया, तीसरे नंबर का जॉब 5वें घंटे पे, तीसरे नंबर के जॉब को 5वें घंटे पे लिया, तो 5 और 5 घंटे का और समय लगेगा, यानी 10वें घंटे पे ये जॉब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मशीन खाली नहीं होगी, ये मशीन 16वें घंटे पे खाली होगी, और 16वें घंटे पे वापस 9 घंटे का समय लगेगा, 16 और 9, 25। 25वें घंटे पे ये मशीन इस जॉब को प्रोसेस करेंगी। अब 16वें घंटे पे ये मशीन खाली हुई थी और 16वें घंटे पे अगला जॉब लिया, तो इसका आइडल टाइम आ जाएगा 0। ठीक है, अब टर्निंग की जो मशीन है मित्रों, वो 10वें घंटे पे आउट हो रही है, खाली हो रही है, और अगला जॉब यानी कि जॉब नंबर 2 10वें घंटे पे ही शुरुआत हो रही है उसकी। 10वें घंटे पे जॉब नंबर 2 को टर्निंग के लिए 12 मिनट लगेंगे, 10वें 12 मिनट, यानी कि ये
10 मिनट प्लस 12 मिनट यानी के 22वें मिनट पे ये प्रोसेस होने वाला है, और ये मशीन कब खाली होने वाली है, 25वें मिनट पे। तो यहां पे ये कब शुरुआत कर पाएगी जॉब टू को, 25वें मिनट, उसके पहले तो वो फ्रीज नहीं है, वो ऑलरेडी एंगेज है। 25वें मिनट पे जॉब टू को लेगी और जॉब टू को थ्रेडिंग की एक्टिविटी के लिए 10 मिनट का समय लगेगा। 25 और 10 35। अब बात करते हैं थ्रेडिंग के मशीन की, 25वें मिनट पे खाली हुई और अगला जॉब 25वें मिनट पे ही प्रोसेस कर रही है, तो इसका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं हुआ, आइडल टाइम जीरो रहेगा यहां पे। अब बात करते हैं पांचवे जॉब की, हमारी जो टर्निंग की मशीन है 22वें मिनट पे फ्री हुई थी और पांचवें नंबर का जॉब 22वें मिनट पे लिया, तो इसको 9 घंटे का समय लगेगा। 22 और 9 यानी 31वें मिनट तक वो ऑलरेडी बिजी है, लेकिन 31वें मिनट पे हमारा जॉब खाली भी हो गया है प्रोसेस होके, लेकिन थ्रेडिंग की मशीन बिजी है ना, एंगेज है वो कोई दूसरे जॉब के साथ में, तो ये थ्रेडिंग की मशीन 35वें मिनट तक बिजी है, 35वें मिनट पे यहां आ गई और जॉब 5 को प्रोसेस करने लगी। जॉब 5 को 3 मिनट का समय लग रहा है, यानी कि 38वें मिनट पे वो प्रोसेस करके छोड़ देगी। अब मैं थ्रेडिंग की बात करूं तो 35वें मिनट पे खाली हुई थी और अगला जॉब 35वें मिनट पे ही शुरू किया है, यानी बिल्कुल भी उसका आइडल टाइम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जॉब 6 की, तो टर्निंग की मशीन 31वें मिनट पे खाली हुई थी, अगला जॉब जॉब नंबर 6 31वें मिनट पे रन करेगी, 11 मिनट लगेगा उसको, 11 मिनट, तो 11 मिनट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 42 है ना, 31 प्लस 11 42वें मिनट पे प्रोसेस होगी। लेकिन हमारी थ्रेडिंग की मशीन पुराना वाला जॉब यानी पांचवा जॉब प्रोसेस कर दिया था 38वें मिनट पे, 38 से लेके तो 42वें मिनट तक वो रहा देख रही है। जॉब 6 का जॉब 6 आएगा, 6 आएगा, और जॉब 6 कब आया, 42वें मिनट पे, 38 पे वो खाली थी और 42वें मिनट तक वो रहा देखती रही, यानी के 4 मिनट तक वो रहा देखती रही। अब आप ही बताओ 4 मिनट तक वो रहा देखती रही यानी के उसका आइडल टाइम कितना हो गया, 4 मिनट का। और ये जॉब 6 को मशीन 2 पे कितना समय लग रहा है, एक मिनट का, तो 42 प्लस 1 यानी के 43 हो गया हमारा मिनिमम इलैप्स टाइम, दोनों एक्टिविटी टर्निंग और थ्रेडिंग दोनों एक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है 43वें मिनट पे, ठीक है। और आइडल टाइम अगर मैं निकालूं तो ये आएगा आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग, या मैं यहां टोटल भी लिख दूं तो भी चलेगा, नीचे तो हम लोग लिखने वाले, टोटल इक्वल्स टू 4 और 2 6 मिनट का आइडल टाइम। अब हम लोग फाइनल आंसर इसका लिखते हैं मित्रों, फाइनल आंसर क्या है हमारा, फाइनल आंसर है फ्रॉम अबाउट टेबल, सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमें मिनिमम इलैप्स टाइम, मिनिमम टोटल, मिनिमम इलैप्स टाइम लिखो या मिनिमम टोटल इलैप्स टाइम लिखो, दोनों वन एंड द सेम थिंग, मिनिमम टोटल इलैप्स टाइम इज इक्वल्स टू है ना मशीन 2 का आखिरी का जॉब यानी कि 43 मिनट्स, ठीक है, ये हो गया मिनिमम इलैप्स टाइम। इसके बाद में लिखेंगे ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 आइडल टाइम फॉर टर्निंग, ऑन टर्निंग नहीं, फॉर टर्निंग, फॉर टर्निंग, तो टोटल टाइम में से टोटल टाइम माइनस
प्रोसेसिंग टाइम ऑफ टर्निंग, या मैं और ज्यादा अच्छे से लिखूं तो यहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं मिनिमम इलैप्स टाइम माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम, टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ टर्निंग। सर टोटल मिनिमम इलैप्स टाइम तो हमें पता है 43 मिनट्स, माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में मिलेगा, टर्निंग का जो भी समय दिया हुआ है आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा उसकी टोटल ले लीजिएगा। 3 और 12 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 9 31, 31 और 11 यानी के 31 और 11 यानी के 42 यानी के 1 मिनट का, 1 मिनट का है हमारा आइडल टाइम टर्निंग का। एक आखिरी की एक्टिविटी बाकी है, पूरा क्वेश्चन ही यहां पे खत्म हो जाएगा। आइडल टाइम फॉर, आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग, आइडल टाइम फॉर थ्रेडिंग इज इक्वल्स टू अगेन सेम बात है मिनिमम इलैप्स्ड टाइम माइनस टोटल, ये वैसे हमने निकाल लिया है 6 का, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूं प्रोसेसिंग। आपने डायरेक्टली भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा लिखा तो बहुत ही बढ़िया। टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ थ्रेडिंग के मिनिमम इलैप्स टाइम 43 मिनट्स का, टोटल प्रोसेसिंग टाइम थ्रेडिंग का 8 और 10 आप क्वेश्चन में से देख सकते हो, 8 और 10 18, 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36, 36 और 1 37 माइनस 37 43 माइनस 37 यानी के 6 मिनट्स, और हमने यहां पे भी निकाला था बराबर 6 मिनट्स। तो यही है मित्रों हमारा आंसर, 43 मिनट्स का आंसर। मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं ज्यादा अच्छा लगेगा। 43 मिनट्स का आंसर, 1 मिनट और 6 मिनट। प्रेजेंटेशन में हम बिल्कुल कोई कमी नहीं करेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया है। आज का लेक्चर छोटा सा ही रखेंगे, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। या तो एक काम करता हूं मैं, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ना, सेकंड क्वेश्चन, कंपनी हैज 3 जॉब, इसमें 3 ही जॉब है तो थोड़ा सा फास्ट होगा, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी मैं ले ही लेता हूं। अब आप इतना फोर्स कर रहे हैं सर ले लो सेकंड क्वेश्चन ले लो, तो मैं सेकंड क्वेश्चन भी ले लेता हूं, नहीं तो मेरा तो कोई मूड नहीं था, लेकिन आप बोल रहे हैं सर ले लो ना सर, क्या हो रहा है। तो अब आपकी बात तो मैं आपके आगे तो कभी नहीं जाता हूं, आपको तो पता है नतमस्तक हूं मैं, आप जैसा बोलते हो वैसा ही करता हूं। आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं कभी आपके आगे नहीं गया हूं। तो लो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कैसा लिखा था, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 125 टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज कौन सी, अरे 7.2, एक्सरसाइज 7.2
नंबर टू, पेज नंबर 125। चलो तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं, समझ लेते हैं। वैसे एक बात बताओ, क्या इसमें बड़ा सीधा सीधा रहता क्वेश्चन, ना भी पढ़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए आइडियली, है ना। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे लिखा था हमने। अच्छा बिल्कुल, इसमें भी ऐसे लिखेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है, जॉब है, तीन जॉब है, इको ट्रे, तीन जॉब है, इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, है ना। और ये बोल रहा है 8 6 5, ये बोल रहा है 8 3 4। तो ऐसी बातें यहां दिया हुआ है, ठीक है मित्रों। अब हमें इसे सॉल्व करना है मित्रों, ठीक है। वापस चीजें एकदम सेम टू सेम रहेगी, चीजें एकदम आसान है, वही स्टेप। सबसे पहले ऑर्डर फिक्स करना है, स्टेप 1। स्टेप वन में हम लोग क्या लिखते रहते हैं, मिनिमम ऑफ ए आई बी आई, मिनिमम ऑफ ए आई बी आई, इन सब में मिनिमम जो है वो है 3। और ये जो 3 है, इट करस्पॉन्ड्स टू इट करस्पॉन्ड्स टू जॉब 2 एंड डिपार्टमेंट बी, ठीक है। ये जॉब 2 और डिपार्टमेंट 2 से हैं, इसी के लिए हमें हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते, तुम्हारे बिना हमें तुमसे प्यार कितना। चलो ये बात आ गई है हमारी, ये 3 3 बिलोंग करता है जॉब 2 से, तो ये मैं जॉब 2 यहां लिख दे रहा हूं। जॉब 2 हमने फिक्स कर दिया है, ये जॉब 2 बिलोंग कर रहा था डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 2 राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में डिपार्टमेंट A। चलो मित्रों स्टेप 2 की बारी आ रही है। स्टेप 2 क्या बोल रहा है सर, वेरी सिंपल, मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई, मिनिमम ऑफ ए आई कॉमा बी आई। बताओ तो ये जॉब 2 तो खत्म हो गया 1 और 3 में का, ए आई बी आई में सबसे मिनिमम क्या है सर, 4 है। वेरी गुड, इट करस्पॉन्ड्स टू इट करस्पॉन्ड्स टू जॉब 3 एंड डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 2 से है तो वापस ये भी कहां आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा मित्रों। यानी कि ये कुछ इस तरह, ऐसा कुछ इस तरह से आएगा ये शाम है सुहानी, ये 2 तो ऑलरेडी है सर। अब जॉब 3 और डिपार्टमेंट 2 यानी कि 4, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड से। अब बचा हुआ सिर्फ एक ही जगह है, तो पहला जॉब यानी देयरफॉर, इसी के लिए देयरफॉर ऑप्टिमल सीक्वेंस, ऑफ जॉब्स इज ऑप्टेन एज फॉलोज,
ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ जॉब इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। ये एक, ये दो, ऑप्टिमल सीक्वेंस कुछ इस तरह से आएगा, 1 3 2। ऑप्टिमल सीक्वेंस हमारा निकल चुका है, बस अब हमें क्या निकालने का है, मिनिमम इलैप्स टाइम। फटाफट मिनिमम इलैप्स टाइम निकाल के इस क्वेश्चन को भी फतेह कर देते हैं। कर हर में होन फतन, कर हर में दान। चलो मित्रों फटाफट निकालते हैं मिनिमम इलैप्स टाइम। तो मैं लिख लेता हूं मिनिमम इलैप्स्ड टाइम कैन बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। ये क्वेश्चन छोटा है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसी वजह से मैंने अभी लिया, अदरवाइज हम नहीं लेते थे। जॉब सीक्वेंस डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, आइडल टाइम फॉर बी। ठीक है, जॉब सीक्वेंस मैं लिख लेते हैं मित्रों, क्या है जॉब सीक्वेंस, 132 था ना, 132 बराबर, ये रोमन में लिखा हुआ था, यहां तो हमने लिख लिया बट एक्चुअल में रोमन में था ओरिजिनल क्वेश्चन में, 1 3 2। ठीक है, यहां पर लिखना पड़ेगा इन आउट, इन आउट। इन आउट में जीरोथ आर पे जॉब की शुरुआत हुई मित्रों, जीरोथ आर पे जॉब की शुरुआत हो जाने के बाद में ओरिजिनल क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, हाँ 8 घंटे लगे, सॉरी पहला जॉब बराबर है, 8 घंटे लगे मशीन ए पे और मशीन बी पे कब आएगा, अब ये 8 घंटे पे और 8 घंटे लग रहे हैं मशीन बी पे, यानी 16 घंटे पे मशीन बी खाली रहेंगी, लेकिन पहले 8 घंटे तक मशीन बी चुपचाप बैठी थी, दोनों मशीन साथ में आए थे जीरो तार पे, मशीन ए तो काम से लग गई, मशीन बी राह देख रही जॉब आएगा जॉब आएगा, जॉब आया ही नहीं, 8 घंटे तक राह देखने के बाद में जॉब आया है ना, तो इसका आइडल टाइम रहेगा 8 घंटे। अब 8वें घंटे पे मशीन ए यानी डिपार्टमेंट ए जॉब 3 को प्रोसेस करेगा, जिसमें 5 घंटे का समय लगेगा, 8 और 5 13। लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट बी है या ये कब खाली होने वाला है, 16वें घंटे पे, ठीक है ये खाली होने वाला है 16वें घंटे पे। अब ये टाइम मिनट में है या आवर में है, ये क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूं मैं, या डेज में है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। कंपनी हैज 3 जॉब प्रोसेस 2 डिपार्टमेंट टेबल बिलो, नंबर ऑफ डेज में है, ये जो है टाइम डेज में है, 8 दिन तक बिचारा डिपार्टमेंट बी रहा देखता रहा, तो ये 8 घंटे का आइडल टाइम
जॉब थ्री को 4 घंटे का समय लगा है, तो ये 16 और 4 20वें दिन, ये नंबर ऑफ डेज में, मैंने कभी मिनट या आवर बोला भी होगा तो आप इग्नोर कीजिए, आप इसको डेज में कंसीडर कीजिए, ये डेज में है। तो 20वें दिन ये जॉब प्रोसेस हुआ है, ये डिपार्टमेंट भी 16वें दिन खाली हुआ था और अगला काम उसने 16वें दिन ही लिया है, तो इसका आइडल टाइम 0 रहेगा। डिपार्टमेंट ए 13वें दिन खाली हुआ था, अगला जॉब 13वें दिन को ही लिया है, सेकेंड नंबर का जॉब 6 दिन लगे, यानी 19वें दिन तक ये प्रोसेसिंग चलता रहा, 13 और 6 19। लेकिन डिपार्टमेंट बी कब खाली हुआ? 20वें दिन। तो इसने इस जॉब टू को कब हाथ लगाया? 20वें दिन। 20वें दिन हाथ लगाया, 3 दिन का समय लगा, यानी 23वें दिन पूरा काम खत्म हुआ। यहां पे भी 20वें दिन डिपार्टमेंट भी खाली हुआ, अगला काम भी 20वें दिन ही उसने लिया, यानी कि उसका आइडल टाइम 0। टोटल मैं यहां लिख देता हूं, टोटल है 8 डेज, ठीक है, इन डेज में है हमारा सारा, तो टोटल 8 दिन का आइडल टाइम है डिपार्टमेंट बी का। अब फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं, फ्रॉम अबाउट टेबल, टोटल, ये मैं पेन चेंज कर देता हूं, नंबर वन टोटल मिनिमम इलैप्स्ड टाइम, टोटल मिनिमम इलैप्स्ड टाइम 23 डेज। मशीन डिपार्टमेंट बी में जो आखिरी का समय है, ठीक है, ये है हमारा टोटल इलैप्स टाइम, इसको जनरली टी से डिनोट करते रहते, ठीक है। सेकेंड टोटल, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने टी से डिनोट नहीं किया था, तो मैं कर देता हूं, इसको टी से डिनोट करते रहते, ठीक है। और अब आइडल टाइम ऑफ डिपार्टमेंट ए इज इक्वल्स टू मिनिमम elapsed time माइनस मिनिमम elapsed time, इसमें से माइनस होगा, क्या माइनस होगा? मिनिमम elapsed time में से माइनस हो जाएगा टोटल प्रोसेसिंग टाइम ऑफ डिपार्टमेंट ए, है ना। मिनिमम इलैप्स टाइम 23 डेज निकाल लिया था हमने, टोटल प्रोसेसिंग टाइम ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर मिलेगा हमें डिपार्टमेंट ए का 8 और 6 14 14 और 5 19, यानी के बराबर 4 दिन का, 4 डेज का, है ना, क्या है 4 दिन ये मशीन खाली रही, 4 दिन खाली रही, क्योंकि 19वें दिन इसका काम खत्म हो गया था, लेकिन ये मशीन को ले जाना कब पड़ा? 23वें दिन, क्योंकि मशीन बी का जॉब खत्म होने का बाकी था, तो 4 दिन का इसका आइडल टाइम है। अब आखिरी की बात करते हैं मित्रों, थर्ड आइडल टाइम ऑफ डिपार्टमेंट बी इज इक्वल्स टू, वापस से वही बात है, मिनिमम elapsed time minus total processing time of department B, minimum elapsed time 23 days, department B ka 8 aur 3 11 11 aur 4 15 15 days ka aa raha hai आइडल टाइम। तो अब 23 में से 15 गए, तो 8 दिन आएंगे,
है ना, 3 और 5, 8 दिन, 8 days, और हमने यहां से निकाला था तो वो भी बराबर 8 ही दिन था। इसी के साथ में हमारा फाइनल आंसर रेडी है। सेकेंड प्रॉब्लम का भी मित्रों, ये सेकेंड प्रॉब्लम का भी फाइनल आंसर रेडी हो चुका है, और ये हमारी क्लास भी इसी प्रॉब्लम के साथ में खत्म हो रही है। ठीक है, अब हमारे 6 प्रॉब्लम्स हैं कुल मिला के इस एक्सरसाइज में। 2 प्रॉब्लम हो चुके हैं, 4 प्रॉब्लम फटाफट जितने जल्दी हो सके हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आपको एक ठीक होमवर्क दूंगा इसका मस्त। ठीक है मित्रों, मिलते हैं। इसी के साथ में यहीं पे खत्म करते हैं क्लास को, मिलते हैं। कूठे गिला रे, कूठे गिला, हाँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।